18 के अंदर 500 पदों की फिर भर्ती निकली, उसके अंदर 5512 पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त हुए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी सरकार आने के बाद में 1000 पदों की भर्ती हुई, उसके बाद में पूरे राजस्थान के अंदर जब 2010 के अंदर ये प्रशिक्षण बंद किया गया, उस समय सिर्फ पूरे राजस्थान में 2700 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा था। लेकिन जब 2018 के अंदर वैकेंसी आई तो 2018 की वैकेंसी के अंदर 24000 आवेदन प्राप्त हुए, और 2018 की 24000 आवेदन प्राप्त होने के बाद में सिर्फ 17000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 2 साल हो गए माने अध्यक्ष महोदय भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत, जब परिणाम जारी किया गया 24 फरवरी 2019 को परीक्षा लगी, 31 जुलाई 2019 को परिणाम जारी हो गया, 31 जुलाई 2019 के बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने परिणाम जारी किया, परिणाम के बाद में जब भौतिक सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए तो उसके बाद में सिर्फ 450 विद्यार्थी ऐसे पाए गए जो उस परीक्षा के अंदर योग्य थे। बाकी के जो अध्यक्ष महोदय जो दस्तावेज पाए गए वो फर्जी पाए गए, अंक तालिका फर्जी पाएगी, डिग्री फर्जी पाएगी। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय एक निवेदन करना चाहूंगा, 450 भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में 550 पद अभी भी रिक्त है, क्या अधीनस्थ बोर्ड शेष जो विद्यार्थी रहे जिनकी अंक तालिका सही है, जो ईमानदारी के साथ परीक्षा दी है, क्या उन 550 पदों के ऊपर भर्ती करने की मंशा रखते हैं, और जिन्होंने दूसरे राज्यों से फर्जी डिग्री लेकर आए हैं, क्या सरकार ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी अंक तालिकाएं लेके आए, फर्जी डिग्री लेके आए, उनके खिलाफ क्या FIR दर्ज कराने की मंशा रखते हैं ताकि वो न्याय मिल सके, और राजस्थान के रहने वाले जो विद्यार्थी कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम उनको जल्दी 550 पदों की जो भी आपकी मेरिट है उस मेरिट के अंदर संशोधन जारी करके इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का श्रम करें। धन्यवाद।